Hi friend, this is Dinesh from Kanpur. Today discuss about the pollination in flower, यानी pollination flower में कैसे होता है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा discuss करेंगे. This is the diagram of flower. So हम पहले diagram बनाएंगे, फिर इसके बाद आपको understanding करवाएंगे, ठीक है. This is the central heading pollination in flower. पॉलिनेशन इन फ्लावर हमारी सेंट्रल हेडिंग हो जाएगी. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. दिस इज द गाइनोशियम पार्ट. This is the anther. This is the thalamus part. This is the pedicle part. This is the calyx. So this is the diagram of flower. So अगर इसके anatomy morphology को समझते हैं तो this is the thalamus part. This is the spherical like structure. Thalamus part. जैसे कि आप गेंदा के फूल को देखे होंगे तो उसको अगर पूरे जो पत्तियाँ होती है, जो लीफ होती है, या उसके जो पंखुड़ियाँ होती हैं जो फ्लावर की, तो उसको अगर हटा देंगे तो तुमको ये स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर व्हाइट व्हाइट दिखेगा जो ये पेडिकल से अटैच रहता है, तो वही उसी को थैलमस कहते हैं. दिस इज थैलमस पार्ट. अपन लोग जब छोटे थे तो उसको खा जाते थे निकाल के. तो दिस इज द थैलमस पार्ट. दिस इज द पेडिकल पार्ट. This is the pedicle part, this is the thalamus part, and this is the calyx, this is the corolla, this is the calyx, and this is the corolla, this is the endosium, this is the endosium part, sorry, gynosium part. This is the endosium part. ये जो endosium part है अपना, this is the endosium part. Endosium part and this is the gynosium part. This is the gynosium part. पूरा gynosium part है. तो this is the फिलामेंट. ये जो स्टेमन होती है इसको फिलामेंट कहते हैं. दिस इज द स्टेम फिलामेंट एंड दिस इज द एंथर. दिस इज द फिलामेंट पार्ट. दिस इज द एंथर पार्ट. दिस इज द स्टेमन. इसको स्टेमन पार्ट कहते हैं. ये मेल कैरेक्टर शो करता है. दिस इज द मेल कैरेक्टर. तो ये मेल होता है. दिस इज द मेल पार्ट. एंथर एंड फिलामेंट स्टेमन. एंथर और फिलामेंट से बनकर एंथर बनता है, सॉरी स्टेमन बनता है. एंड अगर फीमेल पार्ट की बात करते हैं, दिस इज द स्टाइल. स्टाइल पार्ट स्टिग्मा पार्ट. दिस इज द स्टिग्मा. Stigma and this is the style. This is the ovary part. This is the pistil. Female. So this is the gynosium. This is the gynosium part. तो अगर ऊपरी पार्ट की बात करते हैं, इसी में अपर पार्ट की बात करते हैं तो स्टिग्मा. मिडिल पार्ट की बात करते हैं स्टाइल. लोअर पार्ट की बात करते हो रही, तो दिस इज द स्टिग्मा स्टाइल हो रही इज इक्वल टू पूरा को मिलाकर आप लोग पिस्टल पार्ट कहते हैं, जो पूरा फीमेल पार्ट कहलाता है, ठीक है. तो
तो जो एक रिप्रोडक्शन होता है यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है फ्लावरिंग प्लांट पे, उसमें कैसे होता है, जब एयर वाया एयर जब हवा चलती है बहुत सारी, उसमें क्या क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में फ्री एटमॉस्फेयर से हवा आती है ठीक है, और वो क्या करती है एंथर से टकराती है ठीक है, आया एंथर, एंथर को अटैक किया इधर से, दिस इज द एयर, एयर आया एंथर को अटैक किया ठीक है, अटैक मार दिया, एंथर क्या किया कि एंथर जो होता है तो ब्लास्ट हो जाता है, जब एंथर ब्लास्ट होता है तो इसके अंदर अंदर जो स्पोर भरे होते हैं माइक्रो स्पोर भरे होते हैं, बहुत छोटे 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 माइक्रो स्पोर भरे होते हैं ठीक है, माइक्रो स्पोर फ्री हो जाते हैं, जब ये फ्री हो जाते हैं तो एटमॉस्फेयर पे क्या करते हैं कि उड़ने लगते हैं, फ्लाइंग करने लगते हैं, जब एटमॉस्फेयर भी फ्लाइंग करते हैं तो ये कहीं दूर जाकर जो कहीं भी दूर जाकर जहाँ पे फ्लावर पड़े रहते हैं तो या जहाँ पे फ्लावरिंग की खेती होती है कहीं फ्लावर हैं उगते हैं तो वहाँ पे जाकर उसकी स्टिग्मा में गिर जाते हैं ठीक है, उसकी स्टिग्मा में गिरने के बाद, या तो जैसे कि ये बाइसेक्सुअल हम बात कर रहे हैं ठीक है, तो दिस इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो जब एयर जो होता है, एयर जो होता है एयर अटैक मारा एंथर पे, एंथर ब्लास्ट हुआ, एंथर जब ब्लास्ट हुआ तो उसके जो स्पोर होते हैं तो स्पोर क्या होते हैं फ्री हो जाते हैं, जब फ्री हो जाते हैं तो वो उड़ कर यहाँ पे फ्लाइंग बाय फ्लाइंग फ्लाइंग के द्वारा क्या होता है कि स्टिग्मा, दिस इज द स्टिग्मा पार्ट, स्टिग्मा में गिर जाते हैं, जब स्टिग्मा में गिर जाते हैं तो यहाँ पे ओवरी बना लेते हैं, दिस इज द ओवरी पार्ट ठीक है, दिस इज द ओवरी, ओवरी फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या होता है ओव्यूल बनता है, दिस इज द ओव्यूल पार्ट, ओव्यूल बना देता है ठीक है, तो दिस इज द ओव्यूल, फिर यही सीड बनता है, इसके बहुत लंबी प्रोसेस है, हालांकि वो अपने टॉपिक में है, तो ऐसा होता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीमेल को क्या कहते हैं फ्लावरिंग में, तो कि मतलब एयर जाती है अटैक करती है एंथर पे, एंथर ब्लास्ट होता है, स्पोर निकलते हैं, स्पोर क्या करते हैं कि अड्डा स्पोर में जाकर कहीं भी सॉइल के कॉन्टेक्ट में या तो किसी फ्लावर के कॉन्टेक्ट में जाकर उसकी स्टिग्मा में गिर कर या किसी की स्टिग्मा में गिर कर वो फर्टिलाइजेशन करके नए नए कैरेक्टर पैदा शो करते रहते हैं, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, तो यही पूरी प्रोसेस जो होती है तो पूरी प्रोसेस ही पॉलिनेशन कहलाती है, सो आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, सो थैंक यू, दिस इज ग्रेस फ्रॉम कानपुर, ओके गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।